अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं किचन विद अस्मी। हमारी आज की रेसिपी है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। क्योंकि स्ट्रॉबेरीज का सीज़न है तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इससे आइसक्रीम बनानी सिखाई जाए। ये आइसक्रीम बहुत ही सॉफ्ट और बहुत मज़ेदार बनती है। तो चलिए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। 200 ग्राम फ्रेश क्रीम ली है, 1 कप कंडेंस मिल्क लिया है, ये होममेड कंडेंस मिल्क है। इसकी रेसिपी मैं आपको अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप इसकी जगह रेडीमेड कंडेंस मिल्क भी ले सकते हैं। 1 कप स्ट्रॉबेरी प्योरी ली है, इसके लिए आप फ्रेश स्ट्रॉबेरीज को अच्छी तरह से धोकर ब्लेंडर में डाल लें और बग़ैर पानी के ब्लेंड कर लें। स्ट्रॉबेरी एसेंस लिया है 1/2 टीस्पून, रेड फूड कलर लिया है 1/4 टीस्पून। इसके अलावा आइसक्रीम को डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी सीरप लिया है। पहले हम फ्रेश क्रीम को बीट करेंगे। इसे सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए बीट करना है, बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना। अब इसमें स्ट्रॉबेरी एसेंस और रेड फूड कलर डालकर बीट कर लें। इसे इतनी देर बीट करना है कि कलर इसमें मिक्स हो जाए। अब इसमें स्ट्रॉबेरी प्योरे और कंडेंस मिल्क डालकर बीट कर लें। बस ये तैयार है। अब हम इसे एयरटाइट बॉक्स में डालकर ओवरनाइट फ्रीज कर देंगे। अब मैं आइसक्रीम को थोड़ा सा डिज़ाइन देना चाह रही हूँ, तो मैं इसके ऊपर ये स्ट्रॉबेरी सिरप डाल रही हूँ। अब किसी टूथपिक या स्टिक से इस तरह स्ट्रॉबेरी सिरप को आइसक्रीम में मिक्स कर दें तो ये एक डिज़ाइन सा बन जाएगा। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम तैयार है। मैंने इसे ओवरनाइट जमने के लिए रख दिया था। अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाऊंगी। मेरे पास आइसक्रीम स्कूपर नहीं था तो मैं इसे इस तरह के गहरे चमचे से स्कूप आउट कर लूंगी। थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी सिरप मैं आइसक्रीम के ऊपर भी डाल रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।